सभी प्रकार की फोटो एडिटिंग के लिए एमएस एडिटिंग चैनल को यहां से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। वेलकम गाइस एमएस एडिटिंग चैनल। तो गाइस हम आपको आज यूनिक प्रकार की आपको इंस्टाग्राम वायरल फोटो एडिटिंग अपने पिक्सआर्ट ऐप में करना सिखाएंगे, वो भी कुछ एक से दो मिनट के अंदर आप बहुत शानदार तरीके की फोटो एडिटिंग अपने पिक्सआर्ट ऐप में कर सकते हो। तो वीडियो का थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस प्रकार की आपको फोटो एडिटिंग करना बताएंगे, वो भी अपने मोबाइल में। तो चलिए आप अपना पिक्सआर्ट ऐप ओपन कर लीजिए। अगर आपने पिक्सआर्ट ऐप ओपन नहीं किया है या डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से सिंपली से डाउनलोड कर लेना। सडनली आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लस वाले आइकन पर जाना है पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद में, और आपको यहाँ पे ऑल फोटो वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रकार की फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो आपको सडनली अपनी जो फोटो आपको एडिट करनी है आपको अपने पिक्सआर्ट ऐप में इंपोर्ट कर लेनी है। तो पिक्सआर्ट ऐप में आप अपनी फोटो को इंपोर्ट कर लेना। सडनली मैं अपनी फोटो यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपने फोटो को क्रॉप कर लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे अपनी फोटो को यहाँ पे क्रॉप कर लिया है, क्रॉप कर लेना। अगर गाइस आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड वाले बटन को दबाकर वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करके इफेक्ट्स वाले ऑप्शन को यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको थोड़ा लास्ट में जाना। लास्ट में जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन आएगा ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके इसे यहाँ से राइट डन कर लेना है। राइट डन करके आप इसे ड्रॉ वाले सेक्शन में जाना है। ड्रॉ वाले सेक्शन को आप इसे यहाँ पे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे कॉर्नर पे थ्री लेयर वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आएगा। थ्री लेयर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करना है और इनपुट फोटो लेयर वाले सेक्शन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना। तो गाइस आपको यहाँ पे फोटो लेयर वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फोटो लेयर वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करके आपकी जो फोटो है कलर में आप उसे यहाँ पे आपको राइट डन करना है और यहाँ पे राइट डन कर लेना है। राइट डन करने के बाद में आपकी फोटो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है, देख लीजिए आपको आपकी फोटो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। आपको लेयर वाले ऑप्शन को यहाँ पे ओके करके आपको ब्रश वाले ऑप्शन पे यहाँ पे इरेजर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर कुछ प्लस वाले आइकन को यहाँ पर आपको एरो नजर आएंगे, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल वाला आपको ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल करना है। फिल यानी पूरा आपको यहाँ पर ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉर्नर पे से यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल करना है। इस वाले ऑप्शन को स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे इसे आप कितना यहाँ पे आप करना चाहते हो हाफ में, तो हाफ में आप इसे डन कर दीजिएगा। डन करके यहाँ पे आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद में आप इसे यहाँ से मर्ज कर देना। मर्ज करने के बाद में आप देख सकते हो कि आपकी फोटो यहाँ पर सिंपली एडिट हो चुकी है। एडिट होने के बाद में आपको कुछ नहीं करना। आप इसमें अगर कुछ इफेक्ट डालना चाहते हो तो आप इस इफेक्ट में जाना। इफेक्ट में जाने के बाद में आप यहाँ पर कुछ यूनिक प्रकार के यहाँ पे आप इफेक्ट्स यहाँ पे डन कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे ये इफेक्ट थोड़ा यहाँ पे बढ़िया नजर आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे डन कर लेता हूँ। और यहाँ से डन करके यहाँ से आपको राइट क्लिक करके वापस आपको अगर फोटो को आपको एच डी क्वालिटी में यहाँ पे वापस सेव करना है यानी पिक्सल आपके फटे नहीं, तो आपको यहाँ पर ड्रो में जाके यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव वाले बटन को यहाँ पे इमेज को सेव कर ले, तो आपकी फोटो यहाँ पर सिंपली बहुत ही कुछ स्टेपों में यहाँ पे आपकी फोटो एडिट हो चुकी है। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।